सो नमस्कार दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ऐसे जैसे 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है, और सीजीएल में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, अपने वीडियो को पॉज कीजिए और जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया ऑफ, यहाँ देखो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर टू दैट ऑफ स्मॉल स्क्वायर, जो रेशियो है बड़े वाले स्क्वायर का, यानी कि इसमें जो बड़ा वाला स्क्वायर है और ये छोटा वाला स्क्वायर है, इसका जो एरिया है उसका रेशियो हमें बताना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना, मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ। अभी इस क्वेश्चन में मैंने ये स्क्वायर और ये वाला सर्कल को इधर बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये बहुत सारे स्क्वायर सर्कल है एक साथ, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस वाले पार्ट को मैंने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे आप यहाँ देखो, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, किसी भी स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो इस वाले स्क्वायर का जो डायगनल है, इस वाले स्क्वायर का जो डायगनल है, डायगनल मतलब क्या होता है, जो एक स्क्वायर के बीचों बीच जो ये दूरी होती है उसको डायगनल बोलते हैं वो। और जो स्क्वायर होता है, कोई भी स्क्वायर, इसका जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं ना, डायमीटर। तो इसका जो डायगनल है यही इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ठीक है। इस स्क्वायर का जो डायगनल है वही इस स्क्वायर का डायमीटर है, इस चीज को समझ गए, ठीक है। अगर इसका मैं साइड ए मान लूं, तो इस वाले छोटे वाले स्मॉलेस्ट एरिया तो निकल जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, हमें लार्ज वाला पता करना है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, डायगनल ए रूट टू, ठीक है। अगर बड़ा कोई भी स्क्वायर का एरिया ए होता है तो उसके डायगनल का क्या होता है, डायगनल का ए रूट टू होता है लेंथ, ठीक है। तो अगर इसका डायगनल ए रूट टू है, इसका मतलब इस वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, ए रूट टू, ठीक है। ये चीज मैंने बाहर समझा दिया, तो इस वाले सर्कल का डायमीटर ए रूट टू है। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर ये ए रूट टू है, अगर ये ए रूट टू है और इसको मैं इधर घसका दूं, इस लाइन को समझो कि मैं इस इधर घसका दूं, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसका जो डायमीटर है, इस वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, ए रूट टू, और ए रूट टू ही इस वाले स्क्वायर का साइड है, ठीक है। ए रूट टू ही इस वाले स्क्वायर का क्या है, साइड है। हमें मालूम चल गया कि ये ए रूट टू है। अब इसका डायगनल निकालो, इसका भी डायगनल निकालो, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। कंफ्यूज मतलब उतना तो समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। ए रूट टू इसका साइड है। अब इसका जब आप लोग डायगनल निकालोगे, इसका जब डायगनल निकालोगे तो ए रूट टू हमें पता है कि क्या होता है, ए रूट जो भी साइड स्क्वायर का जो भी साइड होता है उसमें रूट टू इंटू कर देते हैं, तो इस वाले स्क्वायर का जो डायगनल होगा वो क्या होगा, 2a। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर इसका डायगनल 2a होगा, यानी कि इस वाले सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अगर इस वाले सर्कल का जो डायमीटर है ये 2a है, सेम चीज है, ठीक है। इस वाले सर्कल का अगर डायमीटर 2a है, यानी कि ये डायमीटर है, इस डायमीटर को फिर इधर घींच दें हम, तो ये वाला देखो, इस बड़े वाले जो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये बड़े वाला जो स्क्वायर है इसका ये क्या हो जाएगा, साइड हो सकता है कि नहीं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये शायद, एक सेकंड मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। अभी इस वाले बड़े वाले, ये हमें मालूम था कि इसका 2a है, तो इसका जो इस बड़े वाले स्क्वायर का जो साइड है 2a है, तो इसका डायगनल, अच्छा छोड़ो डायगनल से क्या मतलब है, हमें पता चल गया कि बड़े वाले स्क्वायर का जो साइड 2a है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2a² होल स्क्वायर, यानी कि 4a², तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और 4:1 रेशियो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, तो मैंने इस, देखो मेन आपको कहाँ फोकस करना है, जो मैंने शुरू में बताया है, बस इस पे फोकस कर लो और उसी को करते जाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।